वैसे तो ड्राइवर है एक तो मेरा पास ड्राइवर मेरा है, अगर जरूरत पड़े तो कमेंट कीजिएगा बिना लाइसेंस वाला। दोस्तों अभी टाटा से चल गए रांची बाईपास आ गए हैं, करीब लगता है 150 किलोमीटर सफर है, अभी सफर कर लिए अभी। दोस्तों हमारा खाना बन चुका है और चले निकाल के खाने लग रहा है। दिन का भी दारुण बहुत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग जमशेदपुर आ गए हैं, ये 4 लाइन पर ही है, उल्टेक्स है यहाँ पर, पहले भी यहाँ पर रुकते थे, देखे होंगे आप लोग तो यहाँ पर। दोस्तों वहाँ पर तो रात में सो गए थे हम लोग, वहाँ पर कंपनी के अंदर में ही गार्ड से बात हो गया था मेरा, तो बेचारा 4 बजे हमको उठा भी दिया था और वहीं चल के यहीं आके रुके हैं। तो ये ब्रश व्रश करके फ्रेश हो लिए हैं, अब चलते हैं कंपनी में। कंपनी में भी तो कर 8-9 बजे तो आता है सब ना, तो कंपनी में देखते हैं, खा लोड करके जल्दी ही छोड़ देता है वहाँ पर, कोई ज़्यादा टाइम तो लगाता नहीं है। ठीक दोस्तों, निकलते हैं अभी कंपनी के लिए। अभी 10 बज चुके हैं, रानो फैक्ट्री आ गए हैं, फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं, ये रहा, यहीं से लोडिंग होगा अपना। तो अभी पीछे करके बैक करके पापा गाड़ी इधर अंदर करेंगे, तो वही हम लोग बाहर जा रहे हैं साइड बताने को। दोस्तों कंपनी के अंदर तो आ गए हैं, गाड़ी लगा दिए हैं, देख सकते हैं कंपनी का गेट है ये, इसके अंदर गाड़ी लगा दिए हैं और लोडिंग भी अपना चालू है। लोडिंग चालू है तो इस बार हमको माल भर रहे हैं अंबिकापुर का। तो अंबिकापुर का भरने कारण क्या है कि हम वहाँ जो काम करा रहे थे, 2-3 जगह ट्राई किए तो माल वैसा ढंग का मिल नहीं रहा था और अच्छा भाड़ा नहीं था, तो उसके चलते नहीं जा पाए थे। तो सेठ से बात हुआ तो सेठ जी बोले कि एक काम करो, अंबिकापुर ही आ जाओ और वहाँ से अगर मिल गया तो ठीक है, तो फिर वहाँ से खाली रायपुर आ जाता, रायपुर से बहुत माल चल रहा है और भाड़ा वहाँ से अच्छा लगता है। रायपुर है कि 20 स्टेट है, आप देखिएगा MP छत्तीसगढ़ जो है ना हिंदुस्तान के बीचों बीच में है, वहाँ से हर दिशा का मतलब रास्ता जाता है और हर दिशा का माल भी निकलता है। तो सेठ जी बोले कि ठीक है आ जाओ यहीं पे, तो ठीक है दोस्तों अभी हम भर रहे हैं माल वहीं का और लोड हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम से ही हो जाएगा, क्योंकि पेटी वाला माल लोड करने में टाइम लगता नहीं है। तो अभी जब खाली करेंगे अगर उधर से कहीं हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रायपुर से फिर अपना कहीं लॉन्ग टूर का माल भरेंगे। और लॉन्ग टूर का माल भरने में फ़ायदा ये होता है कि बरसात भी कट जाता है, समय नहीं मिलता, समय पास होता है पता नहीं चलता है, और थोड़ा सा नज़दीक माल में थोड़ा यही दिक्कत होता है कि आज लोड करो परसों फिर खाली करो, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और बरसात में हम लोग भी चाहते हैं कि एक बार लोड हो जाए, कम से कम 5-7 दिन के लिए सफर में रहे, अच्छा लगता है कि चलो कोई लफड़ा नहीं है कि लोडिंग करना क्या करना अनलोडिंग। तो ठीक है दोस्तों अभी पहले हमें लोड कराते हैं, यहाँ पे जा रहे गिनती करते हैं पेटी। अभी दोस्तों गाड़ी तो हमारा लोड हो गया है और अभी हमको कागज़ वगैरह नहीं मिला, जो चलान बिल्टी वगैरह जो होता है तो वो मिला नहीं, तो अभी तो उसी बीच में हम लोग ऑर्डर कर लिए खाने का। ये देखिए हमारा खाना आ गया है, इसमें दाल तड़का है, ये दाल तड़का और थोड़ा पनीर का भी सब्जी है इसमें, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कैसे डाले इसको यहाँ। ये देखिए ये पनीर भी है, पनीर तो खैर हमको तो दाल तड़का ही अच्छा लगता है ज़्यादातर, कोई भुजिया वुजिया पनीर तो इसका डिमांड रहता है रोहित का ही। अब दोस्तों ये साथ में नान रोटी, आज का हमारा खाना दोपहर का यही है, यही खाओगे, क्योंकि गाड़ी जब लोडिंग वोडिंग में रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है खाना बनाने में, खाना हम लोग पीछे माल भी देखना पड़ता है, फिर समय पार हो जाता है तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर सोचते क्या खाना बनाना है, क्योंकि जब तक मतलब भूख भी लग जाता है तो हम लोग चलो खाना ही मंगा लेते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो ये लोडिंग के लिए यही होता है, तभी तो अपना गाड़ी लोड हो गया है, अभी चले खाने के लिए। दोस्तों खाना वाना खाने के बाद वहाँ कंपनी में भी लंच हो गया था, तो 1 घंटा बाद हमको फिर मिल गया, हमको चलान बिल्टी जो भी वहाँ बनता है, ट्रांसपोर्टर आया आगे बना के सब हमको दे दिया और हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग मेन रोड पॉइंट पकड़ने वाला है, जो अपना कलकत्ता हाईवे जो है, कलकत्ता दिल्ली हाईवे, वो मेन रोड हम लोग पकड़ने वाले हैं अभी, तो अच्छा टाइम में हमको छोड़ दिया है, क्योंकि दिन दिन में अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो रांची वगैरह सब पार हो जाएगा। अब रात में देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग, उसके बाद अपना माल तो अपना इस बार अंबिकापुर का हो गया है, तो अंबिकापुर जो है वो जसपुर पार करने के बाद ही रास्ता कटता है, बगीचा बोलते हैं उसको,
वहीं से जाना पड़ता है। तो दोस्तों दो दिन से तो अभी गाड़ी काम ही हो रहा था, तो गाड़ी तो चला भी नहीं था, तो आज थोड़ा चल रहा है गाड़ी। अब आज थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि लंबा गाड़ी खींचने के लिए चलते हैं, जहाँ तक सफर काटना है काटते हैं अभी सफर। अभी दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग अभी रांची बस पहुंचने ही वाले हैं, तो थोड़ा अभी ब्रेक लिए है नाश्ता करने के लिए। तो ये होटल में अभी आए यहाँ पे, कह रहे पापा, तो हम और रोहित तो चाउमीन खाएंगे और पापा को चाउमीन उतना पसंद नहीं है, तो पापा अपना ऑर्डर किए हैं। क्या किए देखते हैं, कचौड़ी समोसा जो मिल जाए, नमकीन में मतलब कुछ भी। अच्छा, नमकीन की मिल जाए वही बहुत है। तो दोस्तों हम और रोहित तो अभी चाउमीन खा लेंगे और पापा कचौड़ी खा लेंगे। तो देखिए अभी ऑर्डर तो कर दिए, आने ही वाला होगा। और दोस्तों ये एक ऐसा मतलब आदमी है जो अपना डाटा, मोबाइल का डाटा, इसको 2 GB मिलता है, अरे 12 बजे तक पूरा डाटा ख़त्म कर देता है। बताइए कितना यूज़ करता है दिन भर, मतलब क्या यूट्यूब में वीडियो देखना, इंस्टाग्राम चलाना, पूरा रील देखते रहता है, तो पूरा ख़त्म कर देता है। पापा का तो आ गया नाश्ता, भाई चुका अभी बोल रहा है कि वाईफाई कनेक्ट करके, मतलब हॉटस्पॉट कनेक्ट करके दो अभी यूज़ करेंगे। तो देखिए हमेशा का इसका लफड़ा है, हम लोग का बचा हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है, यूज करता है, मतलब आधा बेला पार होता है ऐसे खत्म। रात में बम्बू करेगा, 15 रुपये रिचार्ज कर दीजिए, 20 रुपये रिचार्ज कर दीजिए, करते रहता है ऐसे। ये हमका आदत कब सुधरेगा, अगर कराते रहेंगे तो, उसको कराना नहीं है अभी, रात में देखते हैं कैसे रहेगा रात में। देखिए दोस्तों अभी हम लोग का चाउमीन आ गया, मेरा उस्ताद का नाश्ता हो रहा है, हम लोग इधर चाउमीन आ गया है, यहाँ खा पी के चलेंगे डायरेक्ट गुमला। अब गुमले में रुकना है दोस्तों, शाम के टाइम जो अपना चाय होता है वो तो हो गया अपना चाय नाश्ता। और आज हम थोड़ा लेटे हुए थे जहाँ जो बिल्टी नहीं मिला था, तो थोड़ा कमेंट पढ़ रहे थे, तो एक हमारे ससका भाई का कमेंट आया था, वो भी गाड़ी लेने के प्लानिंग में है, कौन सा गाड़ी ले रहे करके। तो हम कह रहे कि अगर गाड़ी लेना है तो फिर टाटा ले लो, टाटा में उतना टेंशन नहीं है, झंझट नहीं है, और पुराना ही, अगर पूंजी कम है तो पुराना ही लेना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि अगर घर में कोई आदमी नहीं है ड्राइवर चलाने वाला, तो कम से कम 6 महीना साल भर खुद गाड़ी में रहे, उसको नॉलेज मिलेगा, साथ में रहे गाड़ी का, तभी कुछ नॉलेज मिलेगा उसको भी, गाड़ी का कैसे चलता है क्या होता है। नहीं तो अगर पुराना गाड़ी ले करके और ड्राइवर को दे दें, तो ऐसे तो ड्राइवर है एक तो मेरे पास, ड्राइवर मेरा है, अगर जरूरत पड़े तो कमेंट कीजिएगा, बिना लाइसेंस वाला सपोर्ट में हम है, लाइसेंस कहीं जरूरत पड़ेगा तो हम है उसके लिए, समझे। तो वही हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बाबू, कम से कम साल भर जो है गाड़ी में साथ में रहना पड़ेगा, और अगर साइड सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अगर अकेला है, गाड़ी के भरोसे सब कुछ है, तो थोड़ा सा गाड़ी पे साथ, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग साथ में 3-3 आदमी रहते हैं, उसी टाइप का कुछ रहने से और नॉलेज खुलता है, रास्ता का पता चलता है, खर्चा का मालूम चलता है, गाड़ी का एवरेज का मालूम चलता है, और कहाँ के कैसा माल मिलता है क्या होता है, ये सब चीज़ नॉलेज मिलता है। आज देखिए ये रोहित जो है अपने गाँव का लड़का था, इसको कुछ भी नहीं मालूम था, आज देखिए ये लड़का जो है इतना मतलब टंच हो गया है कि आज लोगों से बहस करता है कि वो रोड यहाँ जाता था, ये रोड यहाँ जाता था, इस शहर है, उस शहर है, तो ये सब चीज़ थोड़ा जानकारी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो सफ़र भी काटते हैं, और मेरा राय से यही है कि टाटा ही अगर लेना है, और सेकंड लेना है तो टाटा ही लीजिए, वो अच्छा रहता है। अभी दोस्तों अभी टाटा से चल गए रांची बाईपास आ गए हैं, करीब लगता है 150 किलोमीटर सफ़र है, अभी सफ़र कर लिए अभी 150 किलोमीटर, तो यहाँ आए हैं बाईपास पर रुके हुए हैं, तो अपने तो जाना है रात में गुमला में रुकना है अपना पम्प में, तो सोचे खाना वाना बना लेते हैं। तो खाना बनाने के देखिए मेरा अभी प्याज भूज रहा अभी हम, और आज भी हमारा झारखंडी सब्जी ही बनेगा, ये देख सकते हैं हम पूरा धो धा के काट के मसाला डाल रखे हैं, इसको भी मशरूम ही बोलते हैं, और इसको हम अच्छी तरह से धो धा के मसाला डाल के रखे हुए हैं। तो सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, तो हम जिस टाइप को बनाते हैं हमारे दोस्त यार बताया है कि कैसे बनाना है, हम भी बनाए एक दो बार पहले भी, तो गाड़ी ये गाड़ी में जब से आया तब से ये सब नहीं बना है, तो ये सब पहली बार बन रहा है, तो बनने कारण भी आप समझ रहे हैं, सावन का महीना है तो कुछ अलग अलग खाने का मन कर रहा है, तो यही सब मिल रहा है अभी झारखंड में, तब तक मिल रहा है, तो झारखंड से बाहर निकल जाएंगे तो फिर कहाँ मिलना है। तो कल आप लोग देखे थे, कल छोटा वाला था और आज थोड़ा बड़ा वाला साइज है, ये देखिए बड़ा वाला मशरूम है, इसको पूरा अच्छी तरह से धो धा के एकदम मसाला उसका डाल के रखे हैं अभी, तो थोड़ा इसको ढक के छोड़ना पड़ता है। ये देखिए प्याज वजह भी हम भूज रहे हैं, अब भूजने के बाद फिर वो डल के बनेगा जिससे बनता है, तरी वाला ही बनाना है क्योंकि अपना रात में रोटी के साथ खाना है, तो ज़्यादा तरी तो नहीं बनेगा, सूखा सका ही बनेगा। दोस्तों मेरा प्याज लाल हो चुका है, देखिए ये देखिए पूरा अच्छी तरह से लाल हो चुका है, अब चले मशरूम को डालना है इसमें, अब ये डाल देते हैं, दोनों को अच्छी तरह से भूनते हैं, हवा चलने लगा,
थोड़ा देर दोनों को अच्छी तरह से भूनेंगे। वे ऐसे भी मेरा आदत है कोई भी चीज़ ज़्यादा भून के ही खाने का। दोस्तों अभी जाने का तो हम लोग आगे भी जा सकते हैं, मतलब ये आगे मतलब छत्तीसगढ़ भी पहुंच सकते हैं रात में हम लोग। छत्तीसगढ़ बॉर्डर ज़्यादा दूर रहता नहीं है गुमला से, लेकिन हम लोग का प्लानिंग क्या है कि गुमला पम्प में जो रुकते हैं वहाँ पे जो नहाने वहाने का अच्छा सुविधा है, अच्छा साधन है हम लोग वहाँ पे, तो उसी दिन हम लोग का मन को जहाँ हम लोग का मन भरता है ना हम लोग वहीं जाकर रुकते हैं। तो इसीलिए का लोग प्लानिंग यही है कि रात में कहीं जाकर रुकेंगे या फिर गुमला तक चले जाएंगे पम्प तक, अपना सुबह फिर नहा धोवा के फिर वहाँ से निकलेंगे वहाँ से। अभी क्या है कि हम लोग का नहाना धोना भी काफ़ी दिन हो गया, उन्होंने घर से जब से आए हैं तब से नहा नहीं पाए हैं, इधर काम कराते रह गए, पहले खाली कराए तो उसके बाद फिर काम कराने में लग गए तो फिर लोडिंग हुआ, तो तीन दिन या चार दिन हो गया हम लोग का नहाया हुआ है। तो इसी लेकर हम लोग प्लानिंग है कि पहले वहाँ रुक करके नहा धोवा के फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों अभी इसको भून रहे अच्छी तरह से, थोड़ा भुजाया जाएगा उसके बाद मसाला डालेंगे। जो हल्का मसाला डाल के रखे थे उसमें सिर्फ हल्दी था और कोई मसाला नहीं था। अब इसका जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो छूटेगा, उसके बाद मसाला डालेंगे इसमें। दोस्तों अभी थोड़ा मसाला डाले इसमें, पहले भी मसाला उसमें डाल के रखे थे, ये देखिए अब उसका मसाला को भूनेंगे अच्छी तरह से। टमाटर भी डाल दिए हैं, देखिए मसाला करी मेरा बन रहा है शानदार। टमाटर भी गलेगा और वो भी गलेगा, मसाला भी भूनेगा, सब साथ में भूनते हैं। तो ठीक है दोस्तों अभी इंतजार करते हैं इसका, थोड़ा अच्छी तरह से इसको पकाते हैं। घर ढक के पकाने से ही अच्छा रहता है क्योंकि गैस बाहर नहीं निकलेगा उसका, तो अच्छा तरह से पकता है वो। दोस्तों ज़्यादा देर तो नहीं, इसको तो ऐसा तो है नहीं कड़ा चीज़ की इसको सिजाने में टाइम लगेगा, ये तो अपने पूरा गुलगुल रहता है, तो 10-15 मिनट बस इसको सिर्फ सिजाना बस हो जाता है इसमें। तो ठीक है दोस्तों अभी इसको देखते हैं, इसको अच्छी तरह से कभी भूनना है, मसाला जितना अच्छी तरह से भून जाता है उतना टेस्टदार बनता है। ये देखिए ढक्कन हटा हटा के देख सकते हैं इसका कलर, पूरा मज़ेदार एकदम करी बन गया इसका। दोस्तों हमारा खाना बन चुका है, अब चले निकाल के खाने खरीदने। ये देखिए आज झारखंड का ही सब्जी, थोड़ा कम करो सब्जी बहुत है उधर, मेरा काम करना उधर देखो लग रहा है। दिन का भी दारुण बहुत है। बस ये तो याद आ गया हमको छत्तीसगढ़ में राई सिलतारा में एक समय था कि इसी टाइप का पोर्ट कलेजी बनता था। वही हमको याद आ गया देख करके, अभी उसी टाइप का हमको लग रहा है पोर्ट कलेजी जैसा। ये कुछ मेरा दिन का दाल उल भी बचा हुआ है, दाल है पनीर है, इसको भी खाना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है। ये देखिए मेरा दिन का दाल बचा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों अभी खाते यार खा के यहाँ से निकलना है, रुकना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग तो बाईपास में ऐसे ही चौड़ा रोड है यहाँ पर लगा दिए, सब ड्राइवर लोग खाना बना रहा है यहाँ पर, तो रुकने लायक जगह नहीं है, यहाँ रुक नहीं सकते रात में हम लोग। दरवान है, दरवान से मतलब नहीं है यहाँ, वो अभी दरवान एक घंटा के लिए आया था, पैसा मांग रहा है अभी ये, तो ऐसा दरवानी क्या फ़ायदा है, जो दरवानी कौन होता है जो सुबह सुबह पैसा लेता है, और जो दरवान पहले पैसा लेगा समझ लीजिए रात में गायब हो जाएगा वो, उसको कोई मतलब नहीं है उसको। तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग खाना खाते हैं। दोस्तों खाना पीना अपना हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। देखिए सीधा तो सब साफ हो रहा है क्योंकि रात में चलना है अभी, तो कई दो तीन दिन से खड़ा था, बारिश होने के बाद क्या सीधा थोड़ा गंदा हो जाता है, तो शैम्पू वगैरह साफ करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं, सीधा साफ हो रहा है मेरा। दोस्तों यहाँ से निकल रहा है अभी, रात के 11 बज चुका है और हम लोग जाकर गुमला पम्प में जाकर सोएंगे, तो वहाँ जाते थे कम से कम 2 घंटा लगेगा यहाँ से, तो हो सकता है 1-2 बज जाए वहाँ, और वहाँ से सुबह उठ के फिर नहा धोवा के चलना है, तो दोस्तों काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी मेरा चौमिन आ गया है, अब मेरा उस्ताद का उधर नाश्ता हो रहा है, तो हम अपना इधर खा रहे हैं। ये कौन तरीका रे खा के उसी में डाल दिया, गरम था नहीं डाल।